सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं अभी, तो मुझे बहुत गंदे वाली गर्मी लग रही है। थोड़ा फ़ैन में तेज कर लेती हूँ। सो गाइस, आज जो आप सब बोलते हो कि आपकी दी नहीं दिखती व्लॉग में, दी नहीं दिखती व्लॉग में, वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो ज़्यादातर अपने ससुराल रहती हैं, वो यहाँ पे काम आते हैं। क्यों? वो रीज़न ये है कि वो जॉब करती हैं, वो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। इस वजह से जब उनकी छुट्टी होती है तब वो आती हैं कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए, ऐसे। तो और आज भी वो सिर्फ अभी आ रही हैं, सुबह आई, अभी आएंगी और फिर शाम तो वो चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेबी आने वाला है और उनका लास्ट चेकअप होने वाला है, वो जो होता है एंड टाइम पे, क्योंकि अभी उनको 9वें के भी 15 दिन चलेगा शायद, हाँ ऐसे कुछ। तो उनका जो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह लिखा है वो होगा अभी आज, और मेरे बाल बहुत गीले होते हैं तो वो होगा इसलिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो सुबह दिखा के फिर वो चेकअप लिखेंगी, फिर वो होएगा, फिर दीदी फिर से शाम को दिखा के तब घर जाएंगे, तो फिर वो यहीं पर रहेंगे पूरा दिन। तो इस वजह से तो वो आ रही हैं। तो मैं अभी नहा ली हूँ, पूजा वूजा करके चाय वाय पी ली, झाड़ू लगा ली। सो झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने अब मम्मी और सामान राशन लेने गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी और बाकी वैसे भी थोड़ा सामान लेने गई थी जो मैंने लिख के दिया था उनको, क्योंकि आज मैं खाना बना रही हूँ ना, आज का डेली बनाती, मतलब आज पनीर वो बना रही थी, कढ़ाई पनीर, तो उसके लिए क्रीम वगैरह चाहिए होती है ना, तो वो तो हमेशा घर पे नहीं हो सकती, लहसुन प्याज टमाटर तो सब मिल ही जाते हैं। तो पनीर और वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मम्मी लेने गई थी, तो चलो फटाफट से फिर मैं खाना बना लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी सामान ले आई है। मैं ये फ़ैन और लाइट बंद कर देती हूँ। सो मैंने धनिया मंगाया था, खीरे मंगाए थे, कढ़ाई पनीर बनेगा तो मैंने शिमला मिर्च भी मंगाई थी, टमाटर बाकी रखे हुए हैं फ्रिज में, कुछ थोड़े मुझे कम लगे इसलिए मम्मी और ले आई थोड़े। ये प्याज तो मैंने नीचे से ही निकाल लिया, उसमें से मैगी मसाला, कढ़ाई पनीर मसाला तो मिला नहीं, शाही पनीर आ गया। और ये मैंने अमूल क्रीम मंगाई है, और ये कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन। हाँ तो चलो फिर गाइज, लेट हो जाएंगे। गाइज मैं जल्दी से बना लेती हूँ वरना फिर लेट हो जाएंगे और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो उनके साथ बैठना भी था थोड़ी देर, कम ही लगी रहूँगी। तो मैं फटाफट से बनाती हूँ और मैं आपको रेसिपी भी दिखाऊँगी, ठीक है? ओके, सो फिर स्टार्ट करें। चलो देखो, ये मैंने प्याज निकाली थी क्योंकि फिर अलग से काटनी पड़ती, तो पहले मैंने ऐसे ये निकाल लिए कढ़ाई पनीर के लिए, और ऐसी प्याज, ठीक है, गोल गोल सी, और ये जो फिर मैंने वो काट के जो जैसे अंदर का बचता है ना वो सारी, ताकि मैं इनको ग्रेवी, मेरे को ग्रेवी बनाई। ये मैंने टमाटर काट लिए यहाँ पे, और ये अभी मैंने शिमला मिर्च है, ये मैं बाद में काटूँगी, पहले मैं अपना ये वाला जो सामान है ना ये पहले कर लेती हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से ठंडा होने के बाद फिर मेरे को मिक्सी में पीसना भी है ना, तो इस वजह से। तो मैंने इसमें प्याज, लहसुन और अदरक लिया, ठीक है, अब मैं इनको एक साथ डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ, ठीक है? ये मैंने काट लिया है, अभी बस ये बाकी है, ये मेरे को काटनी है, बाद में काटूंगी इनको, पहले मेरा थोड़ा सा तेल हो जाए, चिमनी चला दूँ। ठीक है गाइस, तो मैं पहले ये कर लूँ। गाइस मैंने ये सारे इसमें डाल दिए, अदरक भी, टमाटर भी, और प्याज भी, और लहसुन भी, ठीक है? अब मैं इनको थोड़ी देर पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी कढ़ाई को बंद कर दूंगी, ठीक है? सो गाइज, अभी तक मेरा खाना नहीं बना, और ये दी और जीजू आ भी गए हैं, तो मैंने नाश्ता लगा दिया है, नीचे जा रहा है नाश्ता, विशाल लेके जाएंगे और मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, थोड़ा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है? तो ये लेके जा रहे हैं अभी, मैं अपना तब तक खाना रेडी कर लेती हूँ। गाइज, ये मैंने इसमें धनिया, जीरा, और ये अभी इलायची डालनी है मेरे को आएगी, और फिर उसके बाद मैं ये ऐड करूँगी, इसको पहले मैं ये डालती हूँ, फिर ये करो। इधर मेरा पक रहा है मसाला अभी,
और ये मेरी कैप्सिकम और मेरी प्याज रेडी है, मैं इनको थोड़ा सा सॉटे करूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं हल्का सा पकाएंगे ताकि इनका जो ये कच्चापन है वो चला जाए बस, ठीक है। राइस मैंने डाल दिया, जो पनीर है वो बिल्कुल बन के रेडी है। इसमें मैंने दही मसाले वसाले ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं अपने इस पनीर की सब्ज़ी में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, सॉरी गाइस, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और लेट हो रहा है खाना, इस वजह से मेरे को थोड़ा व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो बट फिर भी मेरे से जितना हो रहा है मैं आपको दिखा, जितना हो सक रहा है जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि मेरा पनीर रेडी है। अब मैं बस इसमें डालने वाली हूँ फिर ख़त्म। और यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ बूंदी का और जीरे का, और ये धनिया मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। तो गाइस देखो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है, बस अभी मुझे इसमें ये अमूल क्रीम ऐड करनी है और कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को मैं हल्का सा बस भूनूंगी ताकि वो गर्म हो जाए, और गर्म होकर वो बिल्कुल ऐसे उसकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा बाहर आ जाए, तो बस ये डालने वाली हूँ। धनिया पाउडर कह रही हूँ, ये हरा धनिया और कस्तूरी मिर्ची मैंने डाल दी है भून के तवे पर। बस अब हमारा ऑलमोस्ट पनीर बन के बिल्कुल रेडी है, ठीक है। बस अब इसमें अमूल क्रीम ऐड कर दूँगी, इसे मैंने इसमें क्रीम डाल दी है, मैं इसको मिक्स कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। गाइज आप देख सकते हो मेरी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है, और मैं अपना गैस बंद करने वाली हूँ, और मैंने अमूल भी इसमें ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ हो गया। अब बस मैं इसको ढक दूँगी और मैं आटा लगाने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइज ये देखो सो गाइज सॉरी मैं पूरा व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी ना, और काम भी बहुत था, खाना वाना बनाना, फिर अगर फ़ोन में लगी रहती तो फिर टाइम कैसे वो होता स्पेंड करती, तो इस वजह से तो जितना भी मेरे से हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। फिर दीदी 3 बजे गई, फिर उसके बाद क्योंकि जीजू को कुछ काम था तो इस वजह से जल्दी जाना पड़ा उनको, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं सो गई। फिर अब उठी हूँ, थोड़ा काम वाम ख़त्म किया है, और अब बस
मैं आज मम्मी का व्रत है तो मम्मी के लिए आलू बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे ज़रूर बताना मेरी पनीर वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक है? सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। और ये मैंने ले लिया है सामान अपना, जो मैंने जीरा और हींग डाली है, हमें ये डाल के सीधा ये छोड़ देंगे। और ये मैंने जीरा और आलू छोड़ दिया, हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा सा, अमचूर पाउडर का सा नमक, देखो। सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ लेट, वो मैं क्योंकि ना हम लोग मामा के घर जा रहे हैं, मैं मामा घर पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मेरी रोटी की थी ना तो होटल में की थी, तो इस वजह से हम घर नहीं जा पाए थे। तो अभी को वो काफ़ी टाइम से हमें बुला रहे हैं, फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी, इस वजह से हम लोग आज जा रहे हैं। तो अब मेरे सारे कपड़े प्रेस के लिए गए हैं, यही सूट था, और ये वैसे भी मैं पहली बार जा रही हूँ मामा घर, तो ये सूट अभी किसी ने देखा नहीं है, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही वाला पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि बाकी सब प्रेस के लिए गए हुए हैं, है ना। तो इस वजह से अब मैं फटाफट से बस रेडी हो रही हूँ, आप देख सकते हो, बस मैं बिंदी बिंदी लगा के, बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि फिर वापस भी आना ना, घर पे भी कोई नहीं है, तो इस वजह से पापा दिल्ली गए हुए हैं। तो मैं फटाफट से रेडी होके फिर मैं निकल रही हूँ गाइस, ठीक है, मैं आपसे वहीं मिलूँगी, ओके बाय। हो चुकी हूँ मैं रेडी, देख सकते हो कैसे जा रहे हैं हम बाइक। चल तू कोई शॉट इधर, आंटी यहीं रहूंगी ना, आज निकाली मैं चाबी दे दूंगी लगा कर, अरे ये तो अब चल गया नहीं भारी बैठे रहते हैं। चलो सो गाइस आ गए मामा घर, चलो चलो मैं आ चुकी हूँ घर, और सॉरी मेरे को ज़्यादा व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए गए थे, तो यार उसमें क्या मैं फ़ोन में लगी रहती, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी बातें की, मस्ती की, क्योंकि मामी के साथ जब हम बातें करते हैं ना तो उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, कि और इतना हंसते हैं, इतना मज़ा आता है बातें करने में, कि वो जो टाइम है ना वो कम पड़ जाता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, इन्जॉय किया थोड़ी देर, और बस यही था आज का व्लॉग। सो गाइस आज आपको व्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बस इतना ही था, गुड नाइट, सो जाओ, अब मैं भी सो जाऊँ, बस चेंज कर लेती हूँ फटाक से, और फिर उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि आज मेरे को भी पूरा दिन रेस्ट नहीं मिला, थोड़ा ही किया था, थोड़ी देर के लिए ही सोए थे, क्योंकि एकदम से भी नींद नहीं आती है ना, तो मैं और मेरे को तो बिल्कुल, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है नींद आने में, चाहे मैं बेशक इतनी थकी हूँ, तो इस वजह से अब बस मैं चेंज कर लूँ गाइस, बहुत थक गई हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, आप लोग भी सो जाओ, बाय। बहुत सारी पूछी आप सबके लिए, बहुत सारा प्यार।